हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड किशन जीके में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आईपीसी के सेक्शन 347 के बारे में जानकारी देंगे, यानी आज चैप्टर में सदोष प्रतिरोध के बारे में बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति बच्चों को बंधक बनाकर उसके पिता से कोई अवैध कार्य करवाता है तो यह अपराध किस सेक्शन के अंतर्गत पाया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, चाहे पिता को बंधक बनाकर बच्चों से काम करवाए, चाहे बच्चों को बंधक बनाकर पिता से करवाए अवैध कार्य, तो आईपीसी के सेक्शन 347 में वह अपराध आएगा। फ्रेंड्स, आइए हम इसके डिटेल अध्ययन करें कि ऐसा क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 347 की परिभाषा की बात करें हम सरल शब्दों में, कोई व्यक्ति किसी अन्य को रोककर कोई अवैध कार्य करवाने के लिए, जैसे हत्या, दस्तावेजों की चोरी, संपत्ति की मांग के लिए भड़काना या किसी प्रकार की मांग करना या कार्य करवाने के लिए जो नियम विरुद्ध एवं अपराध है, यदि इस धारा के अंतर्गत दंडनीय। यानी दोस्तों, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को रोककर, अपने कब्जे में रोककर कोई अवैध कार्य करवाता है, जैसे हत्या, दस्तावेज की चोरी, संपत्ति की मांग, भड़काना इत्यादि की मांग करे, तो यह एक तरह का दंडनीय अपराध होता है। और अगर इसकी बात करें हम दंड के लिए क्या प्रावधान है, तो यह अपराध किसी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। दोस्तों, यह अपराध संज्ञेय एवं जमानती अपराध की श्रेणी में होते हैं और इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को प्राप्त होता है। सजा की बात करें तो इस अपराध के लिए 3 वर्ष की कारावास जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझें। रामू को तेजा ने बंदी बना लिया और उसको छोड़ने की शर्त में उसके बेटे से शराब की तस्करी करने की बात रखी। तेजा रामू को परिरोध करके अवैध कार्य करवा रहा है, यहाँ वह 347 के अंतर्गत दोषी होगा। इट्स क्लियर। आइए इसको हम कुछ बातें समझ लेते हैं इससे संबंधित। दोस्तों, धारा 327, 329 और धारा 347 सभी एक समान लगती है। इन धाराओं में एक समानता दिखती है, लेकिन इन धाराओं में कुछ भिन्नता भी होती है। जैसे धारा 327 क्या कहती है, यह धारा वहाँ लागू होती है जहाँ आरोपी चोट करने की धमकी देकर अवैध कार्य करवाता है। ठीक है, क्लियर है। और धारा 329 क्या कहती है, जहाँ गंभीर चोट पहुँचाता है या धमकी देकर अवैध कार्य करवाता है, गंभीर चोट देकर। यहाँ आरोपी जो है 327 में चोट करने की धमकी देकर, चोट करने की धमकी देकर कोई अवैध कार्य करवाता है, लेकिन 329 में गंभीर चोट पहुँचाता है या धमकी देकर अवैध कार्य करवाता है। ठीक है, और 347 वहाँ लागू होती है जहाँ व्यक्ति को रोक कर यानी परिरोध करके अवैध कार्य करवाते हैं। दोस्तों, इन तीनों धाराएं एक समान लगती है, फिर भी इनमें बहुत अंतर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।